हाय दोस्तों के हिसाब से भी लोग आप सभी का वेलकम बैक है आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बार फिर से दोस्तों मेरा नाम है शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल अपने जॉब्स को दोस्तों आज जो मैं आपको जॉब्स बताने वाला हूं वो एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री में बताने वाला हूँ दोस्तों इस कंट्री का नाम है न्यूजीलैंड दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी देखिये वीडियोज में बहुत सारी मूवीज में इस कंट्री को देखा होगा और ये जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है तो इस कंट्री में जो देखिए वर्कर्स की शॉर्टेज है और काफ़ी सारे वर्कर्स की इस कंट्री को जरूरत है और अलग-अलग सेक्टर्स -अलग में इस कंट्री में बहुत सारी जॉब है और हमारे इंडिया के लगभग दो लाख लोग आज की डेट में इस कंट्री में काम कर रहे हैं तो एक बड़ी संख्या में देखिए एक बड़ी क्वांटिटी में हमारे इंडियंस इस कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ देखिए इस कंट्री में अगर आप लोग काम करते हैं तो जो यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है वो मंथली लगभग तीन से चार लाख रुपये तक मिल जाती है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों एक वीडियो मैंने अभी कल अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है माल्टा कंट्री की उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक रेस्टोरेंट है माल्टा कंट्री में और उस रेस्टोरेंट में देखिए जॉब अवेलेबल है रेस्टोरेंट टीम मेंबर के लिए तो आप उस वीडियो को जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें और देखिए वो जो जॉब है वो अवेलेबल है तो आप लोग अपना सीवी और कवर लेटर रेस्टोरेंट टीम मेंबर का बनाकर रेडी करके उस जॉब के लिए अप्लाई करना है और जिन लोगों को देखिए नहीं पता है किस तरह से यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बनाना है तो मुझसे कांटेक्ट करना मैं उनका सीवी और कवर लेटर बना कर दूंगा मेरा पर्सनल सजेशन आप उस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें तो दोस्तों न्यूजीलैंड जो है देखिए एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री है और बॉलीवुड की जो एक एक्ट्रेस एक है देखिए प्रीति जिंटा लगभग पाँच से छः साल वहाँ की टूरिज्म सेक्टर की ब्रांड एम्बेसडर रही है तो न्यूज़ीलैंड जो है देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कंट्री है जो यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है मोस्टली इंग्लिश ही बोली जाती है देन एक और यहाँ पर लैंग्वेज है वो नॉर्मली बोली जाती है हमारे इंडिया के लगभग दो से ढाई लाख लोग देखिए आज की डेट में इस कंट्री में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पर वहां पर काम कर रहे हैं और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है वेलिंगटन एंड पहले जो इस कंट्री की के देखिए कैपिटल सिटी थी वो थी ऑकलैंड तो वैसे दोनों जो सिटी है देखिए काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है काफ़ी डेवलप ये सिटी है और दोनों देखिए काफ़ी अच्छी खूबसूरत सिटी है जो यहाँ पर करेंसी चलती है वो न्यूजीलैंड के डॉलर चलते हैं और हमारे इंडिया से जो न्यूजीलैंड का डिस्टेंस है वो लगभग बारह किलोमीटर का है हमारे इंडिया से न्यूजीलैंड का फ्लाइट टिकट प्राइस है वो है लगभग डेढ़ लाख रुपए का बट अगर आप लोग दो से तीन महीना पहले यहां का टिकट बुक कर लेते हैं फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको पच्चीस से तीस हजार रुपए का यहां का फ्लाइट टिकट मिल जाएगा तो इस कंट्री में देखिए काफी सारी जॉब्स आप लोगों को मिल सकती है काफी सारे ऐसे सेक्टर्स से है जहां पर इन लोगों को जरूरत है और काफी ज्यादा देखिए यहां पर वर्कर्स की शॉर्टेज है तो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा अच्छा चांस है आप लोगों को इस कंट्री में जॉब मिल सकती है दोस्तों जिसमें आपको बताया कि हमारे इंडिया के लगभग दो से ढाई लाख लोग जो है देखिए यहाँ पर जॉब कर रहे हैं सारे लोग ऐसे हैं जो पी लेकर वहाँ पर सेटल भी हो चुके हैं अगर आप लोग इस कंट्री में तीन से पाँच साल कंटिन्यू रह लेते हैं तो आप वहाँ के पी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कौन कौन सी जॉब आप लोगों को इस कंट्री में मिल सकती है कौन कौन सी जॉब्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है कंट्री काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और दुनिया भर के लोग इस कंट्री में घूमने के लिए आते हैं तो जो सबसे पहला जो सेक्टर है देखिए जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है वो है होटल एंड रेस्टोरेंट्स का यानी टूरिज्म हॉस्पिटेलिटी का इन सेक्टर्स से में आपको काफ़ी जल्द जॉब मिल सकती है कौन कौन सी जॉब मिल सकती है तो जैसे मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया कि देखिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मोस्टली जो जॉब होती है वो यही होती है कि एज़ ए शेफ़ आपको जॉब मिल सकती है रेस्टोरेंट टीम मैंबर क्रू मम्बर देन जैसे किचन हेल्पर एज ए वेटर एज ए क्लीनर ये सारी जॉब आप लोग को मिल सकती है देन एज ए मैनेजर भी आप लोगों को जॉब मिलेगी देन एज ए कैशियर भी होटल एंड रेस्टोरेंट्स में आपको जॉब मिल सकती है देन एक और सेक्टर है देखिए इस इंडस्ट्री में हाउस कीपिंग का तो ये जॉब भी आपको काफ़ी जल्द न्यूजीलैंड में मिल सकती है तो ये जो जॉब है देखिए होटल एंड रेस्टोरेंट्स में यानी टूरिज़म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में है तो ये जॉब जो है देखिए काफ़ी जल्द आप लोगों को मिलने के चांसेस हैं आपको अपने सी वीज़ को काफ़ी स्ट्रॉन्गली क्रिएट करना है आपको ऐसा वैसा कोई भी अपना सी देखिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है आपने कोई भी ऐसा छोटा मोटा सी बना बना ले लेना आपने जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है काफ़ी अच्छे से आपको अपने सी और कवर लेटर्स को रेडी करना है काफ़ी सारे जॉब्स देखे अवेलेबल है अभी मैंने पूरी रात रिसर्च किया न्यूजीलैंड के जॉब्स के बारे में तो काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर देखे काफ़ी सारी जॉब्स की डिमांड है और उन्होंने ऑनलाइन जॉब वैकेंसी देखिए अपलोड कर दिए okay. काफ़ी सारी और देखिए अलग अलग, अलग कैटेगरी की जॉब है जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में है जैसे नर्सिंग जो हेल्थ केयर एक सेक्टर है उसमें ये जॉब होती है तो ये जो जॉब है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में देन वेयर हाउसिंग स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ये जो भी आपको काफ़ी जल्द मिल सकती है रिटेल असिस्टेंट ये जो भी न्यूजीलैंड में आपको काफ़ी जल्द मिल सकती है ऑटोमेटिव ट्रेड्स ये भी जॉब आप लोगों को मिल सकती है तो जिन लोगों को देखिए इन कैटेगरी में एक्सपीरियंस है या जो लोग इन कैटेगरी के इस कैटेगरी के काम को जानते हैं जो जॉब कर रहे हैं पोस्ट पर तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं शेफ्स के लिए जॉब मिल सकती है कुक्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है लेबरर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेबरर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होती है हमेशा बिजनेस सिस्टम एनालिटिक्स ये जॉब यहाँ पर आपको मिल सकती है बिल्डिंग ट्रेड्स इन इस कैटेगरी की जॉब भी आपको यहाँ पर काफ़ी जल्द मिलेगी चाइल्ड वेलफेयर यूथ एज फैमिली सर्विसेज, यानी जैसे हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जैसे केयर टेकर्स की जॉब ये सब जॉब भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में इस कंट्री में हमेशा रहती है फिजिकोलॉजी, काउंसलिंग, सोशल वर्क ये भी जॉब आपको काफ़ी जल्द मिलेगी सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये भी जॉब यहाँ पर बहुत जल्द आपको मिल सकती है अकाउंटेंट एज ए रिलेशनशिप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जॉब यहाँ पर अवेलेबल है तो जो लोग अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं जिनको एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर कॉल सेंटर की जॉब देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जिन लोगों को एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर का वो लोग ज़रूर अप्लाई करें ये जॉब काफ़ी जल्द उन लोगों को मिल सकती है बट अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो आप तभी अप्लाई करना क्योंकि जो इस कंट्री में लैंग्वेज मोस्टली बोली जाती है वो इंग्लिश ही बोली जाती है तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए उनके तो पास कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस है वो लोग ज़रूर अप्लाई करें सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है कॉल सेंटर में मैं आपको यहाँ बताऊँ अगर आप लोग एज ए लेबर का, का काम कर रहे हो और आपको न्यूजीलैंड में दो लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो आपको कॉल सेंटर में लगभग से आपको बहुत जल्द न्यूजीलैंड में मिल सकती है यहाँ पर बताऊंगा तीन से चार सेक्टर जहां पर आपको सबसे जल्दी जॉब मिल सकती है और ये जो जॉब है देखिए काफी ज्यादा डिमांड में है न्यूजीलैंड के अंदर तो सबसे जो पहला देखिए सेक्टर है वो है होटल रेस्टोरेंट टूरिज्म का देन उसके बाद जो सेक्टर है वो है हेल्थ केयर का यानी हेल्थ केयर सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है देन उसके बाद जो देखिए सेक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन का ये जॉब आपको काफ़ी जल्द मिलेगी देन गाइज एक जो सेक्टर है देखिए वो है एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी अलग अलग तरह की देखिए इस सेक्टर में जॉब अवेलेबल है जैसे फ्रूट पिकर के लिए और बहुत सारे भी देखिए जॉब होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग देखिए एग्रीकल्चर का काम करते हैं यानी खेती बाड़ी काम करते हैं उनको इन काम के बारे में देखिए नॉलेज होती है जैसे नर्सरी वर्कर का भी एक काम होता है तो ये जो देखिए जॉब है ने ये आपको काफ़ी जल्द मिलेगी एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे फार्म वर्कर के लिए यानी भाई देखो जो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी या काम जानते हैं अच्छे से जानते हैं तो वो लोग न्यूजीलैंड के लिए ज़रूर अप्लाई करें और इस काम में मैं आपको बताऊँ देखिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है आप लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं तब भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो काम होता है देखिए नॉर्मली ये कम पढ़े लिखे लोग ही करते हैं और जो न्यूजीलैंड में देखिए डिमांड होती है इस जॉब में इन जॉब्स में वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए खेती बाड़ी का एक ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप लोगों को न्यूजीलैंड में जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए ज़रूर अप्लाई करें न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी जल्द आप लोग को जॉब मिल सकती है सैलरी तो मैंने आपको बताई कि आपको दो से तीन लाख रुपये तक काफ़ी ईजीली मिल सकती है तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर जो है देखिए आप लोगों को न्यूज़ीलैंड के अंदर जॉब मिल सकती है काफी ज्यादा डिमांड में है आपको सिर्फ अपने सीवी को कवर लेटर्स को बनाना है अच्छे से क्रिएट करना है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको जॉब मिल जाएगी तो वीज़ा जो है देखिए काफी जल्द आपको मिल सकता है तो एक काफ़ी ज्यादा अच्छा चांस है आप सभी लोगों के लिए आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए और वहाँ की जो गवर्नमेंट है यानी न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने खुद भी कहा है कि उन्हें जो वर्कर्स की जरूरत है तो काफ़ी सारे लोग देखिए एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें कितनी सैलरी मिल सकती है हमारा कितना खर्च आ जाएगा अगर हमें ऑनलाइन जॉब मिल जाती है तो जो सैलरी है देखिए न्यूजीलैंड के अंदर मैंने वीडियो को शुरू में बताया था आप लोगों की जो सैलरी है वो लगभग आप लोगों को तीन से चार लाख रुपये तक मिल जाती है देन जो वीज़ा का खर्च है देखिए वो तो आपको तब पता चलेगा जब आपको जॉब मिलेगी अगर आप लोगों को जॉब मिल जाती है ऑनलाइन तो जो आपका ख़र्च होता है वो होता है सिर्फ दो से तीन लाख रुपए या फिर डेढ़ लाख रुपए तो ये अलग अलग कंडीशन में आपका खर्च होता है यानी पहले आपको जॉब मिलना ज़रूरी है जब आपको जॉब मिलेगी तब आपको आपका एम्प्लॉयर बताया कि हाँ मैं आपको फ़्लाइट टिकट दे रहा हूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए पैसे दे रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें तब आपको पता चलती है आपको बिना जॉब मिले ये सारी चीज़ें देखिए मैं भी नहीं बोल सकता कि आपका कितना खर्च होगा या और कोई भी नहीं बता सकते कि हाँ भाई आपका कितना खर्च हो सकता है या फिर आपको कितने दिन में वीज़ा मिल सकता है तो आपको सबसे पहले एक जॉब को फाइंड करना है जॉब वैकेंसी काफ़ी सारी है न्यूजीलैंड के अंदर कंट्री है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है तो आपको सिर्फ़ एक जॉब फाइंड करनी है और आपको इस कंट्री में जाने का मौका मिल सकता है आप एक देखिए अपनी आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं अगर आपने पाँच साल या तीन साल इस कंट्री में कंटिन्यू काम कर लिया तो आप वहाँ के पीआर के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक बार वहाँ का पीआर मिल गया तो आपकी जो लाइफ है वो सेट हो सकती है तो दोस्तों जिन लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें देन देखिए एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा अगर किसी को भी देखिए अपना वीज़ा या जॉब ऑफर लेटर चेक करवाना है कि फेक है या ओरिजिनल है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपको मेरी आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देन जिन लोग अपना जो सी है और कवर लेटर है वो यूरोपियन फॉर्मेट में बनाना है वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बट जो मेरा चार्ज है आपको वो पे करना है देन मैं आपका जो जॉब ऑफ़र लेटर है जो वीज़ा है या जिन लोगों को सी या कवर लेटर बनवाना है वो मैं बना कर दूँगा और जो जॉब ऑफ़र लेटर है वीज़ा है वो भी चेक करके दूंगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मैं एक और नई वीडियो के साथ में आप लोगों से काफ़ी जल्द मिलूँगा और तब तक के दोस्तों आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू देखते रहे और आप लोगों के लिए काफ़ी जल्द मैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक ज़रूर करें जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें